नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही YouTube से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन, नीमच का दशहरा मैदान बनेगा श्याम धाम, 24, 25 और 26 मई को होगा भव्य आयोजन। श्री नानीबाई का मायरा उत्सव समिति ने की प्रेस वार्ता। सावलिया धाम से सावलिया जी लेकर आएंगे नीमच में मायरा। नानीबाई मायरा उत्सव समिति द्वारा 24, 25, 26 मई को नीमच में एक भव्य एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कड़ी के अंदर हिंदुस्तान के अलावा भी पूरे वर्ल्ड फेमस जय किशोरी जी द्वारा अपने श्री मुख से नानीबाई के मायरे का श्रवण किया जाएगा। एवं इस कड़ी के अंदर हमने 24 और 25 26 तारीख को भव्य नानीबाई के मायरे का आयोजन किया गया है। 24 25 26 तारीख को दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक नानीबाई के मायरे की कथा प्रारंभ होगी। इसी कड़ी के अंदर रात्रि को 24 एवं 25 तारीख को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के जाने माने भजन गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। 24 तारीख को रितु जी पांचाल दिल्ली एवं मेहुल जी रूपाड़ा जालना औरंगाबाद, निजाम भाई जयपुर अपनी प्रस्तुति देंगे। 25 तारीख को मनीष भाई घीवाले एवं कन्हैया जी मित्तल, हमारे इस कार्यक्रम के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत कन्हैया जी मित्तल, जिनके आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम हमारे पूरे नीमच अंचल के अंदर फेमस हो गया है, वो भी आ रहे हैं। 24 और 25 और 26 तारीख को हमारे बीच में नीमच में कन्हैया जी मित्तल चंडीगढ़ वाले रहेंगे, जो कि आज की तारीख के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छे गायककारों के अंदर और सबसे बड़े श्याम प्रेमी बालाजी प्रेमी हैं ये। इसी कड़ी के अंदर 26 तारीख को हिंदुस्तान में पहली बार सांवरिया सेठ मंदिर से भात भरने के लिए, नानीबाई के मायरे के भात भरने के लिए स्वयं सांवरिया सेठ 26 तारीख को नीमच में पधार रहे हैं। सुबह 9 बजे नरसिंह मंदिर घंटाघर से एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जिसके अंदर सांवरिया सेठ स्वयं उस मायरे को लेकर बैलगाड़ी पे, हम चाहते हैं कि ये पूरे गाड़ी के अंदर बैलगाड़ी का पूरी हमने व्यवस्था करी है, ताकि जो ओरिजिनलिटी जो होने चाहिए इस कार्यक्रम की, हमने वो दिखाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। नानी भाई के मायरे के अंदर सांवरिया सेठ बैलगाड़ियों के साथ में मायरा लेकर श्याम धाम पहुँचेगी और इसके बाद में नानी भाई के मायरे का भरा जाएगा। हम ये चाहेंगे पूरे नीमच के अंचलवासी, पूरे देश के वासी, हम ये चाहेंगे कि धर्म प्रेम जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम का आनंद लें एवं हम इस समिति को आशीर्वाद प्रदान करें। समिति ने पूरी व्यवस्था करी है बैठने के लिए, पूरे वातानुकूलित पंडाल की व्यवस्था करी है, ताकि हमें गर्मी का एहसास कम हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएँ। और बैठने की व्यवस्था लेडीज़ और जेंट्स की अलग रखी गई है। आप पधारिएगा, आपका स्वागत है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नानी भाई मायरा उत्सव समिति के हम सभी सदस्य आप सभी को, पूरे जनता को सादर आमंत्रित करते हैं, पधारिएगा, आप भी आइए, अपने रिश्तेदार को भी लाइए, इष्ट मित्रों सहित आइए, इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए और इस समिति के ऊपर आपका पूरा आशीर्वाद दीजिए। जय श्री श्याम।